मायशत के ऊपर, ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म, शीरी ने जो बात की और शाह महमूद ने फॉरेन पॉलिसी पे, मैं बेसिकली आप इस सारी चीज़ को समाप्त करता हूँ आपके सामने। लेकिन सबसे पहले तो जो एक मुल्क का नज़रिया होता है कि एक मुल्क क्यों बनता है, पाकिस्तान क्यों बना, वो एक नज़रिए के तहत बना था। और जो नज़रिया होता है वो एक मुल्क का रोड मैप होता है। आपका जो फाउंडिंग फादर्स पाकिस्तान के, जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिव, प्लीज़ खामोशी थोड़ी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी, वो बेसिकली एक बड़ी डिस्कशन के बाद एक रोड मैप आया था कि पाकिस्तान क्यों बना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इन चीज़ों, इन सब्जेक्ट्स, और ये तीनों सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के नज़रिए के साथ। नज़रिया पाकिस्तान का ये था, पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बनेगी, बड़ा क्लियर नज़रिया था। और वो रियासत बेस किस पे थी, अगर आप इलामा इकबाल का सारा जो कोशिश थी मुसलमानों को जगाने के लिए ग़ुलामी से, तो वो सारी रेफरेंस पॉइंट उनका था मदीना की रियासत पे, क्योंकि वो अभी भी मुसलमान समझते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था मुसलमानों का, जिधर जो प्रिंसिपल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस किए थे, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो कौम जिसकी कोई हैसियत नहीं थी उसने दुनिया की इमामत की। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कहानियां नहीं कह सकते, मिथ्स नहीं कह सकते, जिस तरह ग्रीक मिथोलॉजी है, मिथ्स है, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 622 और 632 के बीच में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ गया था। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर कभी इसकी हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट नहीं की, हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि वो क्या चीज़ थी कि एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए इंसान लोग। हम जब मैं स्कूल में जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें ये तासुर आता था कि वो जंगे मुसलमानों ने जीती, इसलिए वो एक दुनिया की अजीम कौम बन गए। तो जो ये 10 सालों के अंदर सिर्फ 1200 से 1400 टोटल जो कैजुअल्टीज थी दोनों तरफ, ये टोटल ये थी 10 सालों में, जबकि वो सारा अरब उनके नीचे आ गया था, तो वो फिक्री इनकलाब था। इट वॉज अ रेवोल्यूशन ऑफ द माइंड्स, इंसान चेंज हो गए थे। और इसके ऊपर कभी इस मुल्क में, मुझे तो, मैं सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं और शाह जी, हमें तो कभी किसी ने नहीं समझाया इस इनकलाब का, बल्कि अभी भी लोगों को नहीं पता। सो जो वो इनकलाब, इलामा इकबाल बार बार क्यों कहते थे, इलामा इकबाल की आप सारी शायरी देख लें, खुददारी, खुदी, वो जगा रहे थे लोगों को, क्योंकि जो ग़ुलाम है, ये याद रखें, ग़ुलाम की कभी परवाज़ ऊपर नहीं होती। ग़ुलाम तो अच्छा ग़ुलाम बन जाता है, कभी ग़ुलाम वो अपना जो अल्लाह ने हम सबको जब अपनी सबसे बड़ी मखलूक बनाया, सबसे अजीम अशरफुल मखलूकात, तो उन्होंने जब शैतान नहीं झुका तो उसको कहा गया कि तुम्हें नहीं पता मैंने इस पर कितना पोटेंशियल, कितनी पावर दी है इंसान ने। तो हम सब में वो पावर है, लेकिन वो पावर हम तब डिस्कवर करते हैं जब हम अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ते हैं। एक सिर्फ आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर होती है। तो मैं जब यूनिवर्सिटी गया इंग्लैंड में और मैंने उनका सिस्टम देखा, और फिर मैं बड़ी देर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल मेरा कोई 15-20 साल उधर होते थे, आधे मैं पाकिस्तान देखता था, तो मैं कॉन्ट्रास्ट कर सकता था। मुझे बड़ा मौका मिल गया दो माशरों को मुवाजना करना, डिफरेंसेस क्या है हमारे, क्या उनकी ताकत है, क्या हमारी ताकत है, क्या उनकी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी कमज़ोरियाँ क्या है। ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त, आधा महीना, आधा साल उधर गुजारता था, आधा साल पाकिस्तान गुजारता था, तो मुझे दोनों जो
सोसाइटीज थी उनको मैंने बड़ी अंदर से देखा, और मैं शायद वो पाकिस्तान था, पाकिस्तानी था, जिसको एक बरतानिया के इंग्लिश एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया, तो मैंने अंदर से उनको देखा। तो देखें, जो चीज़ एक अगर माशरे ने ऊपर जाना है, उसकी परवाज ऊपर जानी है, तो आज़ादी के बगैर माशरा ऊपर नहीं जा सकता। अब वो क्या चीज़ें हैं जो अब, और इसी दौरान मैंने फिर स्टडी किया अपनी तारीख, इसी दौरान यहाँ से जब गया नहीं मुझे पता था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना सारा अपनी तारीख अपनी दीन इसको स्टडी किया, तो मैंने रियलाइज किया कि जो अल्लाह क्यों हमें हुक्म देता है कि उनके रास्ते पे चलो, हमारी बेहतरी के लिए, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे सक्सेसफुल मॉडल था। कभी भी नहीं हुआ कि इतने, यानी इतने थोड़े वक्त में दो सुपर पावर्स घुटने टेक जाएं, उन लोगों की जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं था। मसलन मंगोलियन, चंगेज खान के मंगोलियन भी दुनिया पे छा गए थे, लेकिन उनके पास, उन्होंने ज़बरदस्त एक वॉर मशीन डेवलप की थी, टेक्नोलॉजी थी उनकी, उनकी कमान थी जो ज़्यादा दूर मारती थी, उसकी वजह से वो गए थे। यहाँ तो एक किताब भी है, द अरब कॉन्क्वेस्ट, वो लिखती है कि ये जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के पर्दा करने के बाद 30 साल में वो सारी दुनिया पे छा गए, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो जंगें होती थी उनके नंबर भी कम होते थे, दूसरे ज़्यादा होते थे, और वो क्योंकि एक अंग्रेज़ लिख रहा है, वो फिनोमेना स्टडी कर रहा था कि क्या चीज़ थी, कि क्या इनकी मोटिवेशन थी। तो मैं यही, मेरा मुझे जो अफसोस होता है कि हमने कभी उस चीज़ को अपने बच्चों को बताया नहीं। मैंने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई स्कॉलर्स की, ताकि उनको करिकुलम डेवलप करें हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, ताकि बच्चे ये समझे फिनोमेना। हम अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि आज याद रखें, आज जो मोबाइल फ़ोन की वजह से जो आज हमारे बच्चों को मुश्किलात और कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा है, जिस तरह का मटेरियल मोबाइल फ़ोन पे अब है, अगर आप अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनको मजबूत नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल वक्त है बच्चों के, यूथ के लिए भी। तो इसलिए मैंने ये अथॉरिटी बनाई कि ये डिबेट होगी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कॉलरशिप इसको स्टडी करेंगे इस फिनोमेना को, और ये इस हुकूमत ने आके वो बंद कर दी अथॉरिटी। यही अगर ये फिनोमेना अगर इमेजिन करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हुआ होता, तो अभी पता नहीं कितनी फिल्में बन रही होती, क्या होता, किताबें लिखी जा रही होती उनके, हॉलीवुड के अंदर बताया, क्योंकि कभी भी इतने थोड़े वक्त पे इतने अजीम लोग ही नहीं आए। ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो नबी के इर्द गिर्द था वो एक अजीम इंसान बन गया। हजरत बिलाल जो गुलाम थे, उन्होंने दो जंगों के अंदर क्यादत की। सो इंसानों को बदल दिया, मेरा पॉइंट सारा ये है, और इंसान बदलता है ज़हन के अंदर जब आप उसको आज़ाद करते हैं, उसको बड़ा ज़रूरी तालीम देते हैं, सही तालीम देते हैं। तालीम भी हर कोई तालीम आज़ाद नहीं करती, और तालीम और फिर इंसाफ। मदीना की रियासत की बुनियाद अदल और इंसाफ थी, क्योंकि जो अभी शीरी ने बड़ी बात की कि जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, वो इंसान को हकूक देता है, और इंसान के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंसानों को आज़ाद कर देता है। और मैंने कैसे देखा, क्योंकि मैं तो यहाँ जब गया तो यहाँ अयूब खान की डिक्टेटरशिप थी, तो उधर जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन सबको अपने राइट्स का पता था, इतनी सी कोई उनका वजीर वगैरह कोई ऐसे लगे कि उसने टैक्स पेयर का पैसा गलत खर्च कर दिया, स्टूडेंट्स बोल पड़ते थे, डेमोंस्ट्रेशंस हो जाती थी, इतने आगाह थे वो कि हमारे हकूक क्या हैं। आज़ाद लोग थे, और आज़ाद लोग प्रेशर डालते हैं हुकूमत के ऊपर,
उसकी जरूरत नहीं होती कि लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी करे। कौम, आजाद कौम अपने प्रोटेक्ट करती है अपने अपने हकूक को, और आजाद कौम में ही आजाद जहन आते हैं, और आजाद जहन ही ऊपर जाते हैं। ये जो इनोवेशंस होती हैं दुनिया में, डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, ये ओरिजिनल माइंड्स करते हैं, गुलाम नहीं कर सकते। गुलाम इंतजार करते हैं कि जी हमें वहां से कोई, हमें कोई नई बताया जाए जी, नई टेक्नोलॉजी, और हम वो अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन आजाद जहन डिस्कवरी करते हैं, और इसीलिए कितने सौ साल तक सारे टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे, क्योंकि वो आजाद इंसान थे। आप जब उनके हकूक, जो जो कल्चर डेवलप हुआ था मदीना की रियासत में, आप राइट्स का ये देखें कि आज भी एक आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहूदी शहरी हजरत अली रजी अल्लाह ताला से केस जीत जाता जब वो खलीफा होते हैं। अब तसव्वुर करें कि आज भी आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि माइनॉरिटी जाके एक हेड ऑफ स्टेट से केस जीत सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उनका जो उनका उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फसिस इंसाफ पे दिया और राइट्स पे, औरतों को लिबरेट किया, जो पहली दफा औरतें जिस जो असल लिबरेशन राइट्स दिए उनको, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स। आज भी पाकिस्तान के अंदर 80% औरतों को, बेचारियों को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते, हालांकि हमने कानून पास किया कि इन्फोर्स करने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन वो तब दे दिए थे, यूरोप में कोई 100-150 साल पहले आए थे। और फिर गुलामों को आज़ाद किया, बेसिकली वो उन्होंने आज़ाद किया था इंसानों को इंसाफ दे के, राइट्स दे के। और सेकेंडली फलाई रियासत, जो भी शीरीन बात कर रही थी, देखिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा मदीना की रियासत में आया था। और आज मुझे तकलीफ़ होती है, और मैं इंग्लैंड में मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक वेलफेयर स्टेट देखी। पहली दफ़ा हमने देखा कि एक आदमी, गरीब आदमी है, उसको मुफ्त तालीम मिल रही है क्वालिटी, उसके बच्चे को अदालत में जाता तो लीगल एड मिल रही है, उसको बेरोज़गार होता तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं जब तक रोज़गार नहीं मिलता, हस्पतालों में जाता तो उसको मुफ्त इलाज मिलता है। ये मैंने पहली दफ़ा बरतानिया में देखा था। तब से मैंने फैसला किया कि हमें अल्लाह ने कभी मौका दिया तो ये तो हमारी मिशन स्टेटमेंट है, इस्लामी फलाई रियासत, ये तो पाकिस्तान की मिशन स्टेटमेंट है। और फिर ये जो हम अब अभी श्री ने बताया, हमारा इतना हेल्थ कार्ड हम लेके आए, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये गरीब घराने के लिए कितनी बड़ी नेमत है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो आदमी, मैंने शौकत आरम कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनाया था, वालदा को कैंसर थी, तकलीफ में थी, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। मैं एक डॉक्टर को मेयो हॉस्पिटल में, मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर मसूद होते थे, मैं उनको उनसे कंसल्ट करने गया अपनी वालदा के ऊपर। बाहर मुझे उसकी वेटिंग में एक आदमी नज़र आ गया, बूढ़ा आदमी, वो जाके उससे वहाँ पूछ रहा था कि मेरा, उसका दवाई मांग रहा था वो, कोई दवा उसके उसके जो कंपाउंडर जो भी होता है उसके पास, कह रहा था कि एक तरफ पर्ची पकड़ी हुई है, एक तरफ दवाइयाँ पकड़ी हुई। कहता मैंने सारी दवाइयाँ ले ली हैं। उसने कहा नहीं आपने नहीं ली, आपने अभी ये भी लेनी है। तो उसकी मैंने शक्ल देखी, बूढ़ा आदमी। तो जब वो गया मैंने उससे पूछा क्या हुआ उससे, उसने कहा ये सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात अपने भाई के साथ बैठता है जो कैंसर से मर रहा है। तब मैंने फैसला किया कि हमारे जैसे लोगों को इतनी तकलीफ, इमेजिन करें बेचारे गरीबों के ऊपर क्या गुजरती है। तो सोचे कि किसी घर पे बीमारी होती है, वो पहले से ही सबसिस्टेंस मुश्किल से अपना, और आजकल के ज़माने में तो मैं सोच भी नहीं सकता जो बिजली का बिल दे, बच्चों के स्कूल फीस दे, क्या करें। और एक बीमारी होती है, सारी एविडेंस शो करती है कि एक ऐसी बीमारी आती है सबसे ज़्यादा जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं, वो एक घर में बीमारी आ जाती है, उसमें सारा घर बार अपना पैसा पूसा खर्च करके मकरूज हो जाता है। तो वो हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया, और वो बेहसी देखें इन लोगों की, वो ये कह रही है कि इमरान खान को फायदा हो जाएगा इससे, इसलिए बंद कर दो।
वो और वो दूसरा भी सोच रहे हैं, हाँ हाँ वो कह रहा है, वो दूसरा कह रहा है, वो शहबाज शरीफ कि हाँ हाँ बंद कर देते हैं और मैं कहूंगा हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा जी, दूसरी चीज इकॉनमी। मैं सिर्फ इकॉनमी जो है ना जी, वो कनेक्टेड है फॉरेन पॉलिसी के साथ। मैं समझता हूँ ये दोनों साथ कनेक्टेड है। हमने फंडामेंटल मिस्टेक क्या की? हमने ये किया, चले हम शुरू में हमारे बड़े बुरे हालात थे, जब पाकिस्तान बना तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फैक्ट्री सारी हिंदुस्तान में रह गई थी। हमारे बड़े बताते हैं कि बड़े मुश्किल वक्त था हमारे लिए, पता नहीं 40 लाख रेफ्यूजीज थे या कितने रेफ्यूजीज आए हुए थे, या मुल्क के पास स्ट्रक्चर नहीं था। बड़ा लोगों का जज्बा भी हमें बताते हैं कि किस तरह लोगों ने काम किया, मदद की, कैसे मुल्क को उठाया, लेकिन हिंदुस्तान से ख़तरा था। तो इसलिए हम सीटों और सेंटों में चले गए। अमेरिका के जो दो ब्लॉक्स थे कोल्ड वॉर में, हम उधर चले गए। चले ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लें कि वो हम गए, हमें ज़रूरत थी, हमारे पास हमारा 7 गुना बड़ा नेबर था और वो हमें ख़तरा था अपनी अपनी एग्जिस्टेंस का। और फिर पाकिस्तान ने तरक्की भी बड़ी की 60s में। प्रॉब्ली पाकिस्तान का वो वाकई डेकेड ऑफ प्रोग्रेस था। बड़ा हमारी ब्यूरोक्रेसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, हमारी जो सिविल सर्विस थी आउटस्टैंडिंग थी तब। और सिविल सर्विस और उसने और जो अचीवमेंट्स हैं हमारी आउटस्टैंडिंग, बल्कि ये सारे इलाके के अंदर पाकिस्तान को मिसाल बनाया जाता था 60s में, जो मुल्क सबसे बेहतर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमें वो एक हमारा जो गलत रास्ते पे हम निकल गए। हमने बजाय ये सोचने के कि हम अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, जो 60s में हो रहा था, नेशनलाइजेशन आ गई 70s में, इंडस्ट्रियलाइजेशन चौक हो गई हमारी। हमारे बैंकर्स बड़ी क्वालिटी के थे, BCCI बन गया जब इंडस्ट्रियलाइज किया, और BCCI दुनिया में क्वालिटी का बैंक बन गया। तो हमारा मुल्क उस वक्त ऊपर जा रहा था, गलत तरफ चले गए, वेल्थ क्रिएशन ख़त्म कर दी नेशनलाइजेशन से। और उसके बाद जो 80s में हमने ये सोचा कि हम अगर किसी और की जंग या उनमें शामिल हो जाएं तो उससे हमें डॉलर्स मिलेंगे। ये जो हम एड के ऊपर डिपेंडेंट हुए, इसने सबसे बड़ा जुल्म किया, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी आज़ादी जानी शुरू होगी जब एड के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाए, और जो हमने अपने पैर पे खड़ा होना था हम हुए नहीं। देखिए, एक कौम जब तक अपने मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन नहीं करती, अपने खर्चे खुद नहीं उठाती, तो वो तो थोड़ी देर के बाद, वो मकरूज होने के बाद गुलाम बन जाएगी। उसकी आज़ादी तो जा नहीं है। और आपकी फॉरेन पॉलिसी कनेक्टेड है आपकी इकोनॉमी के साथ। जो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो लेटेस्ट बनाई थी, उसमें हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया कि सिर्फ फौज नहीं आपको बचा सकती। जब तक आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है और अपने पैर पर नहीं खड़ा होती, आप नहीं आज़ाद फैसले कर सकते। लेकिन मेरा एक और, जब हमारी बारी आई गवर्नमेंट में, तो हमने ये फैसला किया कि हमने अब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना है, और हर वो चीज़ करनी है जैसे पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन हो। उसका मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। और ये अभी जो शौकत तरीन ने बताया कि ये जो विजिट आया है लंदन से, इसने 5 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी नहीं, तो ये इसकी क्या काबिलियत थी कि अगर मुल्क के अंदर आपने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम होता है, उसका यही होता है ना, बताने के लिए अपनी आमदनी बढ़ाए और खर्चे पूरे करें। सिंपल टर्म्स में बताए ना, ये कोई बाकी आप इकोनॉमिक टर्म और जागरण इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बेसिकली जो आप सब जानती हैं, जिन्होंने ख्वातीन बैठी हैं, जिन्होंने घर के खर्चे पूरे करने, उनको बताते हैं कि ये हमारी आमदनी है, ये खर्चे हैं, अब आपने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जो आपकी, जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा किधर से आना है? और ये कौन मैन, ये जो आदमी है ये कौन मैन है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड ने, आप ये सोचें कि 5 साल अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, तो इसका कमाल क्या है कि जो इसको आप लेके आ रहे हैं। इसने सिर्फ यही नहीं किया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी, और जो बनंजा आना था कि तेल की कीमत आधी थी,
जब हमें गवर्नमेंट मिली है इन अस हमारा कितना 37% कितना हमारा तेल पे जाता है खर्चा 37.5% जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो तेल से है। तो जब तेल आधी कीमत पे था तो होना तो चाहिए था कि हमें अपने रिजर्व्स बिल्ड करने चाहिए थे, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए थी। उसने क्या किया, उसने रुपए को ओवर वैल्यू किया। और मेरी थ्योरी है इसके ऊपर, ओवर वैल्यू इसलिए किया क्योंकि यहां से ये रुपयों को डॉलर पे चेंज करके बाहर भेज रहे थे तो ज्यादा डॉलर आते थे, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस तो नहीं है। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल फैसलाबाद में जाओ तो वहां वो रियल एस्टेट में चले गए इंडस्ट्री बंद करके, तो इंडस्ट्री के एक्सपेंस पे, एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंस के ऊपर आपने रुपया के नीचे रखा हुआ है, एक्सपोर्ट्स उसे रुक गई, इंडस्ट्री आपकी जो वेल्थ क्रिएट करती है वो रुक गई, बल्कि बंद होनी शुरू हो गई। तो क्या वजह होगी पीछे? मैं समझता हूं कि ये है ही करप्ट माफिया, इनकी कोशिश ही है कि मैक्सिमम यहां से पैसा चोरी करके बाहर ले जाओ। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है कि सारा टब्बर बाहर बैठ गया जाके, पाकिस्तान में गवर्नमेंट करके लूटने के लिए आते फिर बाहर चले जाते, इसकी कोई मिसाल नहीं है। मुझे कोई बनाना रिपब्लिक भी बनाए जिधर इस तरह का मजाक हो रहा है, और वो जैसे ही इनकी पता चले चोरी पकड़नी है बाहर भाग जाते हैं। मुशर्रफ के दौर में भी वहां बाहर भाग गया, एनआरओ लेके वापस आ गया, 10 साल चोरी की, पैसा बाहर लिया, जब पकड़े जाने लगा फिर बाहर भाग गया, और अब एनआरओ लेके फिर पाकिस्तान आ गया। मुझे तो हैरत होती है कि हमारे ये जो लोग मुल्क के महाफिज हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है? हम नहीं चाहते, मैं अननेसेसरी तनकीद किसी की नहीं करना चाहता अपनी अपने इदारों को, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ये इसके लिए कोई जीनियस तो नहीं है? क्या सबको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है? क्या नजर नहीं आ रहा कि ये मुल्क के साथ आप उन लोगों को, जिन लोगों ने इस मुल्क, इनके दौर, इन दोनों खानदानों के दौर में बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान आगे निकल गया हमारे से। 80 की दिहाई में मैं जब क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से आता था पाकिस्तान, तो लगता था गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में आ गया हूं। हम हमेशा, डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90s तक पाकिस्तान ज्यादातर इकोनॉमिक इंडिकेटर से हिंदुस्तान से आगे था, और बांग्लादेश की तो कोई बात ही नहीं करता था, बांग्लादेश भी आगे निकल गया जब से ये दो आए हैं। ये अरबोपति बन गए, मुल्क को मकरूज कर गए, और कौन सी माइंड है जो इन लोगों को वापस मुसल्लत कर रहा है हमारे पे? ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है जो भी कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ी मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं हो सकती। और तो और छोड़े, मुझे समझ नहीं आती कि क्या हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हम अपने मुल्क को माशी नुकसान तो एक तरफ है, हम इस मुल्क की अखलाकियात किस तरह तबाह कर रहे हैं। मौलाना रूमी की बड़ी फेमस सेइंग मैं बार बार रिपीट करता हूं कि उन्होंने से पूछा कौम कैसे मरती है, उन्होंने कहा कौम है तब मरती है जब अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर देती है। यानी एक कौम का जो एक मुल्क कोलैप्स तब करता है, इकोनॉमिक कोलैप्स बाद में आता है, पहले मॉरली कोलैप्स कर जाती है। जब आप एक मुल्क में नामवर डाकुओं को सबके सामने तमाशा देख रहे हैं कि उनको आप रिजीम चेंज के ऊपर भी आने देते हैं, उसके बाद वो आके अपने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा रहे हैं, इमेजिन करें, लोगों की कमर टूटी हुई है इस वक्त महंगाई से, और उन्होंने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा रहे हैं, और फिर आते साथ ही वो उसको इतनी शर्म नहीं आती मरियम को कि मेरे दामाद को हिंदुस्तान से मशीन मंगवा दो, और फिर उसकी और फिर ये भी नहीं शर्म आती कि उसकी हाउसिंग सोसाइटी कोई बन रही है तो उसमें उसके अंदर जो ग्रिड स्टेशन है वो कुछ 60-70 करोड़ रुपए का होता है, वो कौम पे डाल दो। शबाज कहता हाँ वो हमने करवा दिया, यानी अवाम उसके पैसे देगी,
नॉर्मली जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके ऊपर होता है खर्चा, तो वो भी 60-70 करोड़ रुपया। इतनी शर्म है कि इतने पैसे बना लिए लेकिन फिर भी वो बेचारे लोगों का खून चूसने आ गए। और फिर वो कह रहे जी वो मरियम नाराज ना हो जाए, वो कहता नहीं फिक्र ना करो, इसहाक डार उसे समझा लेगा कौन मैन को तरीका बना लेगा। ये मुल्क से मजाक हो रहा है। अच्छा, सो मैं अभी फॉरेन पॉलिसी की आपसे बात करूं कि ये देखें कि ये शौकत ने जो आपको स्लाइड्स दिखाई इसमें क्या नजर आया। इसमें ये इन्होंने कहा ना जी कि हमने बड़े मुश्किल इनके लिए हालात छोड़ के गए। इन्होंने कहा, ये बार बार शिबाज कहता है जी, बारूदी सुरंगें छोड़ के चले गए हम इनके लिए। इन्होंने जो मुल्क छोड़ा था, तेल की कीमत आधी, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट, बैरूनी खसारा 20 अरब डॉलर। इनकी आमदनी कितनी थी? 19 अरब डॉलर आ रही थी रेमिटेंसेस, और पांचवें साल 24 अरब आ रही थी एक्सपोर्ट्स से पैसा। हम जब छोड़ के गए, दुगनी थी तेल की कीमत हमें, जब इन्होंने जब अभी ये रिजीम चेंज की साजिश के तहत। ये जरा सुन ले फिगर्स, 20 अरब डॉलर ये छोड़ के गए, 16 अरब डॉलर हम छोड़ के गए। इनकी आमदनी थी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स में ला के 43 बिलियन, 43 अरब। हमारी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स में ला के 63 बिलियन थी, 63 अरब। सो 20 अरब डॉलर ज्यादा हम छोड़ के गए, उसके बावजूद के तेल की कीमत दुगनी थी। एक्स्ट्रा 20 अरब और खसारा कम छोड़ के गए 16 अरब, जबकि वैक्सीन के ऊपर अलहदा हमने 3 अरब दिया था। और कोविड के दौरान ये याद रखें, ये लोग ये समझते नहीं हैं, हमने इससे बहुत बेहतर करना था। क्या हुआ? जिससे हमारी बड़ी अच्छी, जिस तरह शाह महमूद ने कहा, मेरी बड़ी अच्छी इनके साथ प्रेसिडेंट शी के साथ और वो जो प्रीमियर ली, हमारी बड़ी अच्छी उनसे ताल्लुकात। 2 साल के लिए चाइना बंद हो गया, हम सब कुछ हमारा बीच में रह गया। हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हुए थे, उधर से चाइनीज कंपनी से इंटरेस्टेड थी उसमें, जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी। 2 साल चाइना बिल्कुल बंद हो गया, हमें उधर से हमें नुकसान हुआ, फिर हमें वैक्सीन के पैसे देने पड़े, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, दुगनी होगी तेल की कीमत, जिसकी एक्सपोर्ट्स हमारी 37% उधर। तो उसके बावजूद कम डेफिसिट छोड़ के गए, 4 अरब कम डेफिसिट छोड़ के गए, और आमदनी 20 अरब डॉलर ज्यादा छोड़ के गए। और उधर ये उसको इन्होंने अभी जो आपने फिगर्स देखे कि मुल्क का जरा हाल देखे आज किधर पहुंचा दिया, कि आज 5 महीने में कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है। 45 या 47% इन्फ्लेशन, महंगाई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 47% पे है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो डिक्लाइन कर रही हैं, और रेमिटेंसेस क्योंकि गैप इतना बड़ा हो गया है एक्सचेंज रेट में, जो ऑफिशियल और जो मार्केट में है उसका गैप बढ़ गया, रेमिटेंसेस गिरने वाली हैं। तो ये मुल्क को आप किधर धकेल रहे हैं, वो शहबाज शरीफ जाके अगर उसकी उसकी अगर आप वो इंटरव्यू देख लेना, वो जो उसने वो ब्लूमबर्ग वाली औरत को दिया है, मैंने इससे ज्यादा है आपके पास ये, एक मिनट फिर से शुरू से, एक मिनट पहले शुरू से लगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये जरा गौर से देखें कि ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अच्छा चले ये बाइडेन के सामने नहीं है, ये बेचारी एंकर है, उसरा वो उसे देखें कि उसे उसको तर्स दिला रहा है कि मैं मारा गया, लुट गया, मारा गया, मुझे बता दो जरा, है नहीं है? छोड़ो छोड़ो बंद करो उसको, शक्ल ही काफी है। मैं बस 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 मैं एक मिनट और बस 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 मैं अब इसकी सिर्फ शक्ल देख ले, मारे गए हम, लुट गए, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, पैसे दे दो नहीं तो पाकिस्तानी तबाह हो जाएगा, हमारा मुल्क बिखर जाएगा। लिटरली इसने उस बेचारे, वो एंकर है,
वो जो बाइडन नहीं बैठा हुआ जिससे कह के जी हमें पैसे दे दो, वो एंकर बेचारी घबराई हुई बैठी, कहता अपनी चैनल से लोगों को बताओ कि हमारा कितना बुरा हालात है। एनीवे अच्छा जी, एनीवे आखिर में मैं आपको फॉरेन पॉलिसी का ये कहना चाहता, देखिए जब ये कौम इरादा करती है, ये कौम जब इरादा कर लेती है कि हमने अपने पैर पे खड़ा होना है, आप 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कौम अल्लाह ने इतनी यहां नेमतें दी हैं। हम एक तो चाइना से हम बड़ा नुकसान हुआ हमें वो 2 साल, क्यों चाइना बंद हो गया, हम इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी, नहीं तो हमें करंट अकाउंट भी नहीं होना था, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जानी थी कि करंट अकाउंट नहीं होना। दूसरा आपको पता है कि हमने जाके लॉबी किया, कॉन्डे नास्ट जो एक टॉप इंटरनेशनल मैगजीन है उसने कहा पाकिस्तान इज द नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन, कि वो मुल्क जिसके पास सबसे ज्यादा जो छुपी हुई है, हिडन पैराडाइज है पाकिस्तान टूरिज्म के लिए। अनफॉर्चुनेटली 2 साल कोविड की वजह से टूरिज्म सारी दुनिया में खत्म हो गई। कहने का मकसद यह है कि हमारे मुल्क में अल्लाह ने हर कुछ दिया है, लेकिन जब तक एक कौम ये ना फैसला करे कि हमने अपने पैर पे खड़ा होना है, उसको अपनी ताकत का ही नहीं पता चल सकता। आज आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें, अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसे, जब उसने कहा ना कि सबसे अजीम मखलूक है मेरी, तो उसकी कई कंडीशंस हैं उधर पहुंचने के लिए। एक चीज उसने कि इंसान उसने बनाया ऐसा है कि अगर आज मैं सोटी पकड़ के चलना शुरू कर दूं मेरी टांगें कमजोर हो जाएंगी, मैं अगर अब बिस्तर में लेट जाऊं मैं सारा मेरा जिस्म ही कमजोर हो जाएगा। ये अल्लाह ने बनाया। आप रेजिस्टेंस देंगे, आप भारी वेट उठाएंगे, आप तकड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ा पावर हाउस आपका जहन है। जब एक इंसान फैसला कर लेता है ना कि मैंने ये करना है, दुनिया की तारीख जो लोगों ने बड़े बड़े काम किए वो पहले मेंटली फैसला करते हैं, फिर वो एक ही प्लान बनाते हैं, प्लान ए, कोई उनका प्लान बी नहीं होता। मैं इधर तक पहुंचना है चाहे मेरी जान चली जाए। उसमें अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है कि वो खुद ही इंसान की ताकत निकलनी है, उसको चीजें, उसको अपनी ताकत डिस्कवर करता है वो। जब एक कौम ये फैसला करे, और जी देखें इमरान खान ने वो देखें क्या कह दिया, वो रूस चला गया जी, अमरीका नाराज हो गया, अच्छा जी उसने नरेंद्र मोदी को कह दिया कि वो हिटलर से इंस्पायर्ड है, देखें इंडिया को नाराज कर दिया, वो कश्मीरियों के लिए खड़ा हो गया, देखें जी वो क्या कर दिया, ये क्या कहते फिर रहे हैं, वो जी हमें आइसोलेट कर दिया। इनका मतलब ये है कि आइसोलेट ना कैसे होता है, उनके जूते पॉलिश करने शुरू कर दो, उनके पैरों में गिर जाओ। इनका मतलब ये है कि लोग इसको अच्छी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी तो आप 50 साल से कर रहे हैं, तो अब तक तो पाकिस्तान को सुपर पावर बन जाना चाहिए था लोगों की जूते पॉलिश करके। क्या क्या हमने नहीं किया इस मुल्क में, मुझे ये बताएं। कभी सुना किसी कौम ने जाके अपने किसी और की जंग में 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए? कोई दुनिया में इसकी मिसाल है? ये उनके 3,000 से कम लोग मरते हैं, आपके 80,000 लोग मर जाते हैं, और कोई शुक्रिया तक नहीं करता उसके, बल्कि हमें जिम्मेदार ठहरा देता है जो अफगानिस्तान में उनका फेलियर हुआ। और मैं जब ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने तो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि जी देखें तालिबान को पाकिस्तान बैक कर लिया था इसलिए वो हार गए, और मुझे आगे से कह रहे जी ये ना कहो वो अमरीकी नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस तरह की हम अपने आप को जलील करके समझते हैं कि पाकिस्तान कोई पैर पे खड़ा हो जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। हमने एमएल कांसी को पकड़ा दिया, उसके वकील ने जाके वहां अदालत में कहा जी जब उन्होंने उससे जज ने पूछा कि ये तो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसको अपडेट करके ले गए तो कैसे हो गया ये, उसने आगे से कहा जी पाकिस्तानी अपनी वालदा भी बेच दें पैसे के पीछे, डॉलरों के पीछे। तो हमारी वजह से हमने जिल्लत कमाई, हमने अपने आप को जलील किया। उसको दूसरे को एक रमजी यूसुफ उसको पकड़ा दिया, रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े आके 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया और चुप करके उसको वापस भेज दिया।
किसी ने नहीं देखा कि आप अमेरिका में करके दिखाए ना किसी और जगह पे। फिर 400 ड्रोन अटैक कर दिए, कभी हुआ ही नहीं कि दुनिया की तारीख में कि आप उनकी जंग लड़े हैं वो आपके ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और जो जो फैसला करें, जिसको जो मारे कहें जी ये दहशत गर्द है, कोई हम तहकीकत करें डर के मारे कि जी वो नाराज ना हो जाए। और इससे अगर हमने ये जूते पॉलिश किए इतनी शेमलेसली अपने आप को जलील करके, क्या उससे कोई फायदा हुआ पाकिस्तान को? आज गिरे हुए पैरों में, आज जाके न्यूयॉर्क में भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं जी हमें कोई बचा ले, फ्लड आ गया जी, ये आ गया, किसी तरह कोई पैसा दे दे। इस तरह कभी कौम नहीं बनती, कभी आज तक दुनिया की तारीख में कौम नहीं बनी। मैं बार बार मदीना की रियासत की इसलिए मिसाल देता हूँ, वो पहले दिन मदीना की रियासत ही बन गई थी, उन्होंने जदोजहद की थी, उन्होंने मिल के कम्यूनिटी ने दो जंगों के अंदर, जंग ओहद और खंदक के अंदर, तो उम्मा को खतरा था कि वो बचेंगे भी या नहीं। फाके किए उन्होंने जब उन्होंने सीज की हुई थी मदीना की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पत्थर पेट पे बांध के काम कर रहे थे, वहां कुर्बानियां दे रहे थे। कौमें कुर्बानियां बंदे के बनती हैं, भिखारियों की तरह भीख मांग के जूते पॉलिश करके कोई कौम नहीं बनी आज तक। और आपकी फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। हमने जो कोशिश की शाह महमूद, हमने एक खुददार फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की, हमने उनको बताया, और बाय द वे अमेरिकनों ने बार बार सिग्नल्स दिए कि जी ये तो बदल गया पाकिस्तान, उन्होंने हमें मैसेजेस दिए कि जी ये तो इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। और वो मैं आपको ये भी बताऊं, मैं वेस्टर्न माइंड सबसे बेहतर समझता हूं, वो आपकी इज्जत करते हैं जब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं। मैं जब सदर पुतिन के साथ बैठा 3.5 घंटे, मेरी बड़ी लंबी बात हुई, बड़ी बातें हुई, मैं उससे ये भी एंड में पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो क्योंकि ये तो बहुत सबको मिला हुआ है 20 साल से, तो मैं उसके व्यूज़ पूछा, मैंने कहा फलाना का बताओ, उसका बताओ, इसका बताओ, क्योंकि 3.5 घंटे हो गए थे और भी बात करनी थी। मैं तो मैंने उससे पूछा अर्दोगान का, अब ये सुने ज़रा, उसने कहा अर्दोगान का कि देखें ये कई दफ़ा मैं इसे, ये मेरी हमारी पॉलिसीज़ में क्लैश होते हैं, ये मेरी पॉलिसी मानता नहीं है, लेकिन मैं इसकी इज्जत करता हूं। क्यों? क्योंकि ये अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जिस तरह जाके अभी चेरी ब्लॉसम वहां से होके आई न्यूयॉर्क, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। आप जितना मर्जी उनको खुश करने की कोशिश करें, और उनके से वो उससे किसी ने अभी सिंधी किसी पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दी, बिलावल भुट्टो ने फिर पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में ले आया। क्या मेन स्ट्रीम में ले आया? मतलब ये कि वो सारों को जाके खुश करके आया कि जी फिक्र ना करें हम आपके गुलाम हैं, और क्या लेके आया होगा। सो एक मेरी एक चीज तो मैं ये कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, दूसरे समझ जाते हैं, उनको वो उनको पता होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े। अगर हम रूस गए, अमेरिका नाराज हो गया, मुझे तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि इन्होंने आतंकवादी साजिश तो जैसी वापस आया तो गेम चला दी थी इन्होंने, लेकिन मैं मुझे पता है कि मैं उनको कन्विंस कर सकता था क्योंकि ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट है। मेरे लोग, मेरे बरतानिया का मुझे मिला आदमी आके, उसने कहा जी बड़े लोग नाराज़ हैं, बल्कि वो एंकर ने भी मुझे कहा कि बड़े लोग नाराज़ हैं जी आपने, आप उस वक्त चले गए जब वो रूस उधर अटैक करने जा रहा था यूक्रेन में। मैंने उससे कहा मुझे 22 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किस लिए किया है, इसलिए नहीं कि मैं दुनिया की जाके बातें करूँगी जी उसने क्या कर दिया तो फलाना क्या कर दिया। मैंने कहा उन्होंने मुझे इसलिए इलेक्ट किया है कि मेरे कम से कम 12 करोड़ लोग, उनमें से आधे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और आधों को जब महंगाई का झटका पड़ता है वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे।
यानी कि दुगनी आबादी बरतानिया की, उनकी तो 6 करोड़ आबादी है, हमारे 12 करोड़ लोग वो हैं कि जो अगर ये प्राइस शॉक पड़ेगा तो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है। मैंने कहा तुम्हारे मुल्क में मुसीबत पड़ गई है, महंगाई आई है, और उनके मुल्क में क्या मुसीबत, वो कितने अरबों डॉलर दे रहे हैं अपने लोगों को, अब सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये एनर्जी कॉस्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाती है, हमारे लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है, और मैंने तो हर वर्ल्ड स्टेज पे ये कहना था कि हमें अपनी जंगों में ना शामिल करो। मैंने कहा आप कश्मीर के अंदर कोई हमारी मदद करने आते हो जो हिंदुस्तान सारे इंटरनेशनल कानून की वायलेशन कर रहा है, 1 लाख कश्मीरी मर चुका है, शहीद हो चुका है, 1 लाख कश्मीरी 35 सालों में शहीद हो चुका है, कभी आपने उनकी कभी सोचा है? तो आप कह रहे हैं हम तुम्हारी जंग में आके फैसले आपकी साइड पे खड़े हो जाए, और वो समझते हैं, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इस चीज को समझती हैं। और हमें अगर ये जो यहां बदकिस्मती से गुलाम जहनीयत है लोगों की, उनको इस चीज की समझ नहीं आती, जो लोगों की मुल्कों की इज्जत, पहले तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े हो, और सेकेंडली जब आप कौम अपने पैर पे खड़ी हो जाती है फिर वो सब कुछ कर सकती है। 22 करोड़ लोग हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जितना पैसा पाकिस्तानियों के पास है कोई मुश्किल नहीं है, हम अपना कर्जे वापस कर सकते हैं, लेकिन कौम बनना सबसे पहले, अपने पैर पे खड़ा होना उसके बाद, खुददार कौम बनना, पहले अपनी इज्जत करवाना फिर दुनिया इज्जत करेगी। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती कोई उसकी इज्जत नहीं करता। और मैं आखिर में शीरीन एक खत्म करता हूं, देखें ये जो पाकिस्तान में हुआ ना, अभी पाकिस्तान में, बाहर चले जाओ ना, बाहर जाके बातें करो, पाकिस्तान में क्या हुआ, एक फैसला हुआ रिजीम चेंज का, चलें जी चेंज हो गई रिजीम, लेकिन जो उससे बुरा फैसला हुआ कि एजेंसीज हमें दुश्मन समझने शुरू हो गए कि हम कोई पाकिस्तान के दुश्मन आ गए। मुझे इसकी अभी तक हैरत होती है कि जिस तरह के जर्नलिस्ट को उन्होंने, जिनके पीछे गए, और जो आज अरशद शरीफ जैसा, साबिर शाकर मुल्क छोड़ के चले गए, आरिफ हमीद भट्टी उसने चैनल से उसको चैनल छुड़वा दिए, यानी समी इब्राहिम या वो एयाज अमीर, जमील फारूकी, अब ये जो लोग हैं, इमरान रियाज, अब ये सोचे कि लोग इनको जानते हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी लिफाफे नहीं लिए, जिन्होंने लिफाफे लिए वो तो नजर आ रहे हैं आपको, जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर जिनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी रीडरशिप है या उनकी व्यूअरशिप है, उन लोगों को दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह के ये कोई इंडियन एजेंट आ गए यहां। और वो लोग जो पैसे लेने वाले, जो जमीर बेचने वाले, वो मीडिया हाउसेस, देखिए मीडिया हाउसेस, ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी हम ये जो मीडिया हाउसेस हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। ली क्वान यू, जो सिंगापुर का बड़ा स्टेट्समैन था जिसने सिंगापुर को बदल दिया बिल्कुल, मैंने उसकी किताब पढ़ी, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बड़ी पहले किताब पढ़ी, उसने कहा मैंने जब इक्तदार में आया तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये मैंने रियलाइज किया कि ये फ्रीडम ऑफ, ये जो मीडिया हाउसेस के ओनर्स हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ली क्वान यू ने तब लिखा, तो फिर उन्होंने पाबंदी लगाई। अब हमारे भी यहां देख लें, एक कब्जा ग्रुप है, उसने टीवी चैनल ले लिया, उसकी जमीन खाली करवाई जा रही है, जो कब्जा किया वो उसे चैनल इस्तेमाल करते, ये दुनिया में किधर होता है? यानी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं है, तो माफियाज बन गए हैं। और आज देख लें कि कौम किधर खड़ी है, जिसको कोई जो सपोर्ट करता है हक, उसकी व्यूअरशिप ऊपर चली जाती है, और ये जो सारे 2 नंबर लफाफे हैं इनको देखता कोई नहीं है, क्योंकि कौम फैसला कर बैठी है।
लेकिन एजेंसीज खड़ी होगी जाके चोरों के साथ। अब इससे ज्यादा बुरी के शबाज गिल से जो किया है, यानी वो कोई 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 क्रिमिनल था, वो कोई जासूस था, वो कोई दहशतगर्द था। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को जरूर उन्होंने नंगा करके इससे जो तशद्दुद किया है, ये कौन से माशरे में होता है कि कोई। और फिर जर्नलिस्ट के अलावा हमारे वो सोशल मीडिया के लोग, कोई उनको उठा लेता है, कोई उनको पकड़ लेता है, कोई धमकाता है। अरसलान हमारा जो सोशल मीडिया में होते थे हेड जो थे, उसके घर 15-20 लोग घुस गए, उनको सारों को धमकियां दी, उसके एक ही बेचारा, वहां औरतें थी, सारों को डराया। एक बेचारा नौजवान था, उसको बुरी तरह मारा उन्होंने। सैफुल्ला नियाज़ी उसके घर घुस गए। यानी ये किधर हो रहा है? कोई हम दुश्मन मुल्क से आ गए हैं हर जगह। अच्छा, फिर टेलीफोन पहुंच जाते हैं। कोई एक आया मुझे, वो उसने कोई यूनिवर्सिटी में इनवाइट करना था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वो मेरे अभी घर से बाहर ही निकला, उसको धमकी आ गई कि अगर तुमने इमरान खान को बुलाया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी ये कौन से मुल्क में ये मजाक होता है? और ये कौन? अच्छा, और मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूं कि ये वक्त है इनके खिलाफ खड़ा होना। ये जो नामालूम कॉल से आके डराना धमकाना है, उसको वापस डराए हो। इनके अंदर कोई ये नहीं आपके साथ खड़े हो सकते। आपका बस देखिए, आपका आईन आपको प्रोटेक्शन देता है, इस मुल्क का कानून आपको प्रोटेक्शन देता है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। और कौम अपने राइट्स प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको शुरू में बताया था कि जब मैं बरतानिया गया तो वहां नौजवान हमारे साथ यूनिवर्सिटी वाले, सबको अपने राइट्स का पता था। कभी किसी ने बत्तीरी शाम को जलाई हुई और पुलिस वाले ने रोक दिया रात को यूनिवर्सिटी में, तो मैं देखा वो ऐसे खड़े होकर आगे बोलते थे कि वाह। और आजाद लोग थे, आजाद कौम थी, इसलिए उसको पता था गुलामों के राइट्स नहीं होते। और आपने अपने राइट्स के लिए कौम ने खड़ा होना है। ये नामालूम नंबर से जो नॉनसेंस है, आपको इनके साथ बात करनी पड़ेगी कि तुम हो कौन, तुम हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर तनख्वाह पे चल रहे हो, तुम्हें किसने राइट दिया है कि एक मुल्क के शहरी, जो हम हैं इस कौम के शहरी, हम टैक्स देते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा आइन राइट देता मुझे, तुम हो कौन एक तनख्वाहदार आदमी मुझे मेरे टैक्स के पैसे से काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं और मुझे ही धमकियां दे रहा है कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम कौन हो? आइन मुझे प्रोटेक्शन देता है, आपका कानून आपको प्रोटेक्शन देता है। और ये मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं कि देखिए, कौम तब तक गुलाम रहेगी जब तक वो गुलामी कबूल कर लेगी। जिस दिन जो इलामा इकबाल की सारी अगर आप शायरी पढ़े तो वो गुलामों को जगा रहे थे, खुदी को जगा रहे थे, खुददारी को जगा रहे थे। वो शाहीन कह रहे थे कि शाहीन तो जब तक जंजीरें नहीं टूटती नहीं ऊपर नहीं जा सकता। वो जो मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रींग रहे हो? जब तक आपका पर, जब तक आपके पर नहीं होंगे, जब तक आप ये जंजीरें नहीं तोड़ेंगे। और ये ज्यादातर जहन में है, खौफ पे, वो जो डरा दिया उसने, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता आपका कोई। जब कौम फैसला कर लेती है, कोई उसके सामने नहीं खड़ा होता। और आज आखिर में मैं तो बड़ा खुश हुआ हूं कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दिया। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर इसको इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं, या वो 16 अरब के केसेस जो इसने, चार आदमी तो मर चुके हैं ना, मकसूद चपरासी भी मर चुका है, 3 और जो गवाह हैं वो भी मार दिए हैं, एक वो जो डॉक्टर रिजवान है वो भी बेचारा इन्वेस्टिगेटर वो भी। तो मैं हमें तो समझ नहीं आती शुरू किधर से करें। इनके ऊपर इतनी किताबें इनकी चोरियों और जुर्मों पे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले ही आयो, अब पब्लिक कर दो साइफर।
कौम के सामने ले आओ, कौम के सामने ले आओ कि एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू एक पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर तुमने हटा के इसको चेरी ब्लॉसम को लिया तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये साइबर में ये लिखा हुआ है, चेरी ब्लॉसम मैंने खुद ऐड कर दिया है, मतलब तो यही है ना उसका कि इमरान खान को हटा के तो ये पहले से वो अचकन सलवा के बड़ी देर की इंतजार कर रहा था ये। तो ये मैं आज चाहता हूं कि ये आप साइफर को पब्लिक के अंदर ले आए। जो डोनाल्ड रू ने बातें की थी हमारे असद मजीद के साथ, हमारे एम्बेसडर के साथ, वो सारी कौम को अब पता चलना चाहिए कि वो किस तरह पाकिस्तान को देखते थे, कि हमें किस तरह वो देख रहे हैं जैसे कि हम इनके कोई गुलाम हैं। मैं आखिर में फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक फैसला कुन वक्त है, ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया कि मैंने कभी इन चोरों को कबूल नहीं करना, कभी मैं ये चाहे ये नाहली के ऊपर। अच्छा एक और वो जितना घटिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इससे ज्यादा मैंने घटिया आदमी नहीं देखा। आप ये सोचे कि ये हुक्म ले रहा है, किससे हुक्म ले रहा है, भगोड़ा झूठा करप्ट और नहीं नहीं नाहिल नहीं सजा याफ्ता एक चोर से ऑर्डर्स ले रहा है कि जनाब किस दिन हमारे वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने हैं। जो मैं कहता था ये साबित हो गया कि ये उनका नौकर है, ये शरीफ खानदान, और ये सारी जो इसने ड्रामे किए हैं मुझे नाहल करवाने के लिए, वो लंदन में बैठा हुआ मफरूर डाकू उसके कहने पे कर रहा है। इसके ऊपर खैर इसके ऊपर तो हमने आगे भी चलना है, क्योंकि इसमें इतनी तो शर्म नहीं कि खुद ही इस्तीफा दे दे इस लेटेस्ट ऑडियो लीक्स के बाद, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अदालत में भी लेके जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको आज सब कह दूँ कौम को कि देखें ये वो वक्त है जो सारी कौम ने फैसला करना है। अब आपके सामने दो रास्ते आ गए हैं, या इन चोरों के नीचे और इनके वो नाहेल और फिटे हुए बच्चों के नीचे बाकी ज़िंदगी गुजारनी है, और या हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की गुजारनी है।